नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। हमारा नाम सुदीप मजुमदार है। दोस्तों, ये खूबसूरत जो नज़ारा आप देख रहे हो इवनिंग और नून का है, वाइल गोइंग पोर्टल टू लिटिल अंडमान। एंजॉय द रुको, सबर करो, पिक्चर अभी बाकी है। सुनिए, कहते हैं आपको व्यू पसंद आया होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो सफ़र हो रहा है इसके बारे में। 20/11/2021 जिस दिन भारत सीमा दिया गया था लिटिल अंडमान के लिए। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि लिटिल अंडमान के लोग किस सुख सुविधा के साथ कंफर्टेबली जो है जर्नी करते हैं लिटिल अंडमान जाने के लिए। तो और एक बात है कि 200 रुपीज़ लेता है पर हेड कोविड टेस्ट करने के लिए। TR हम ये देखिए लाइव प्रूफ दिए हैं। प्लीज़ नोट, दिस 200 इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर लिटिल अंडमान। रेस्ट नॉर्थ एंड मिडिल दे यूज़ टू चार्ज 100 रुपीज़ ओनली। दोस्तों, आप देख सकते हैं जनरल पब्लिक किस तरह से सफ़र कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, कितना गैदरिंग है, इस तरीके से जो है कोविड रोकथाम करेंगे। तो नॉर्मली जो है 5 to 8 hours लगता है डिपेंडिंग ऑन द शिप व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, बट एज पर भारत सीमा इट विल टेक 10 to 11 hours अप्रॉक्स पहुंचने में, क्योंकि बहुत स्लो है। तो 10 से 11 घंटे जो है पब्लिक ऐसे सफ़र कर रहे हैं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है हडबे के लोगों के लिए, एंड दे यूज टू इट एक्चुअली आई गेस। तो मेरा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से, हर एक वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से जो अपने आप को लीडर कहते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जल्दी से। तो सवाल हम करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमने मेंशन कर दिया है। तो ये सवाल जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, हमारा जो MP साहब है उनसे भी है, और वो हर एक बंदे से है जो अपने आप को लीडर कहते हैं या सोचते हैं, और ओपोनेंट पार्टी से भी है। जस्ट इमेजिन 10 से 11 घंटे इस तरीके से बैठे रहना, तो बैठे रहना लेट, कोई ठीक से पा नहीं रहा है क्योंकि अंदर नीचे बहुत गर्मी है, फैन है पर गर्म हवा है। देखिए, एक बुजुर्ग महिला है, आगे एक है, किस तरह से सोई हुई है। तो परेशानियों का तो शोरूम है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा माहौल क्या है, आप देखिए। तो इस तरह से जो है कोरोना कंट्रोल करेंगे, गैप मेंटेन करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, प्रोटोकॉल मेंटेन करिए। ये सिर्फ बोलने में और सुनने में अच्छा लगता है, अगर सही में कंट्रोल करना ही है तो मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए दोस्तों, और जो कि सही मैनेजमेंट नहीं है, हमने अपने चैनल पे पहले भी सबर करो बोला, धक्का मुक्की नहीं करने का। क्या परिस्थिति अंडमान निकोबार आइलैंड का, और हम खासकर बोलेंगे कि लिटिल अंडमान में तो प्रॉब्लम्स है ही है, पर साथ ही साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि बाकी सारे आइलैंड्स में भी है। देखिए, जैसा ये स्वराज द्वीप हो गया, फिर शहीद द्वीप हो गया, नीलिया ब्लॉक जिसे हम पहले बोलते थे, तो वहाँ पे बोट की समस्या होनी नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टूरिस्ट जो है अप एंड डाउन करते हैं, और इस पैंडमिक में जो है हर किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली कम ज़्यादा, और छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेनर है, उनको बहुत ज़्यादा हुआ है, और टूरिज़्म सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, हर एक सेक्टर डाउन हुआ है। तो इस तरीके की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए या फिर कैसे किया जाए वो हमें देखना चाहिए, ना कि पैनिक बढ़ाना है पब्लिक के बीच में और इश्यूज़ को बढ़ाना है। और हम आए दिन देख रहे हैं कि इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, कम नहीं रहे। तो इसका रीज़न क्या है क्या नहीं है दोस्तों, हम अभी कहेंगे नहीं क्योंकि वो डिस्कस करने में बहुत समय लग जाएगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हम बस ये दिखाना चाहते थे कि हडबे के लिए एक तो बोट देते नहीं हैं, जानवरों जैसा जो है लिटिल अंडमान से पोल्डर लेके फेंक देते हैं। अब वहाँ पे लोग रहते हैं, बोट ना मिलने के कारण वापस नहीं आ पाते हैं, जिस किसी किसी को एक दिन का काम रहता है, दो दिन का काम रहता है। हम फिर से कहेंगे दोस्तों, पहले भी हम बोले हैं, हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके, कि लिटिल अंडमान एक आइसोलेट आइलैंड है और यहाँ पे एकमात्र ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाई सी और या फिर बाई एयर है। एयर के बारे में भूल जाते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर है, तो पवनहंस जी जो है यहाँ पे आते हैं, बहुत कम सीट आता है और ना के बराबर है हम जनरल पब्लिक को टिकट मिलना, यहाँ के पेशेंट तक को भी नहीं मिलता है कभी कभी। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। और बोट जो है रेगुलर बेसिस पे होता नहीं है। अब कोई अगर पूछे कि हडबे का पब्लिक इतना पोल्डर में आता क्यों है, तो उन लोगों के लिए है ये कि उन लोगों से हम खासकर कहना चाहेंगे कि आप लोगों को ये समझना है कि हडबे का पब्लिक घूमने नहीं जाता है, हर एक छोटे से छोटे काम या बड़े से बड़े काम के लिए हमको जो है पोल्डर जाना पड़ता है। 200 का चलान बांधने के लिए भी हमको पोल्डर का कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, कोई भी कागजी मामला हो उसके लिए पोल्डर जाना पड़ता है। नॉर्मल एक लेडी अगर प्रेग्नेंट हो
तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी जो है पोलर जाना पड़ता है रेगुलर वाइज, जो 6 महीने अंदर अंदर चेकअप होता है। खाली एक दिन का मामला है, स्कैन करेंगे बच्चे सही पोजीशन में है कि नहीं देखेंगे, बच्चे का मूवमेंट देखेंगे, वही चेक करेंगे, उसके लिए भी पोलर जाके रहना पड़ता है। अब वो एक दिन का काम करने के लिए देखा जाता है कि पोलर जाके रह के एक हफ्ता एक महीने जो है रुक के आते हैं, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ शिप अवेलेबिलिटी। तो हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है। खैर वो तो हमारे यहाँ का मुद्दा नहीं है, वो हर जगह का है, स्टाफ की कमी है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट में रिटायर्ड ऑफिसर अभी भी जो है डायरेक्टर के पद में बैठा हुआ है, तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। सवाल हम किए हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों आप लोग भी उस सवालों को पढ़िएगा, और हम आम जनता से भी सवाल किए हैं, खुद से भी सवाल किए हैं, आप लोग वो सवालों को पढ़ करके खुद से करिएगा। हमको ये समझना है कि जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो हाथ पैर तैरना आए चाहे ना आए, हाथ पैर मार के ऊपर जाना चाहिए, वरना जब तक सांस ले पाएंगे तब तक जिंदा रहेंगे, वरना फिर फ्री का ऊपर का टिकट कटा लेंगे। अभी हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं, वो वीडियो इससे पहले हम लिटिल अंडमान का दिखाए हैं, अभी जो वीडियो दिखाएंगे स्वराज द्वीप का दिखाएंगे। आप तक न्यूज़ के माध्यम से वो जो है हमको छोटा सा क्लिप आपसे हम शेयर करेंगे कि वहाँ का पब्लिक का क्या कहना है, और फिर से हम हडबे का और एक वीडियो आपको थोड़ा सा क्लिपिंग शेयर करेंगे जहाँ पे सेम परिस्थिति है। तो सिंपल में ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि वर्तमान परिस्थिति में ना एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है और मैनेजमेंट सही से कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से ना निभा पा रहा है, या फिर निभाना नहीं चाहता है, आई डोंट नो, बट हो नहीं रहा है। और जिसे हम भरोसा करके ट्रस्ट करके वोट दे के जिताए हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं एमपी साहब, वो भी चुप्पी साधे हैं, उनका भी मुंह नहीं खुलता है। देखिए बड़े से बड़े मुद्दे सॉल्व करते होंगे, बड़े से बड़े इशू पार्लियामेंट में जाके उठाते होंगे, पार्लियामेंट में इशू उठा सकते हैं, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। हमारा बोलने का ये मतलब है कि लोकल जो इशूज़ है, जो लोकल पब्लिक जनरल पब्लिक आए दिन फेस कर रहा है और दिन के दिन बढ़ रहा है, वो सब सॉल्व करना उनके ज्यूरिडिक्शन में है, उनके कैपेबिलिटी में है, तो वो क्यों नहीं करते हैं। तो हर कोई यही कहता है, पब्लिक भी कहता है और नेतागण भी कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो सारा चीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, ऑफिसर्स के हाथ में, हर कोई कहता है, हर किसी के मुँह से सुनते हैं, हमारे पास पावर नहीं है कहता है। तो उन सभी नेतागणों के लिए हमारा एक क्वेश्चन है कि आपका पावर आता कहाँ से है भाई साहब? आपके पास क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या मशीनरीज है जहाँ पे आप पावर मैन्युफैक्चर करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, केजी या लीटर में बनाते हो, या फिर कुछ और है? अगर वो सब नहीं है तो हमारे मुताबिक आपका पावर जनता से आता है, जो जनता आपको वोट देकर जिताता है। तो जब तक आप खड़े हो जनता आपके साथ खड़ा है, आप अभी खड़े हो क्योंकि जनता आपके साथ खड़ा है, आप जीते हो क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है, जो आपको चुना है, तो उसी जनता के लिए आप नहीं सोचते हो तो गलत चीज़ है। और उन सभी नेतागणों से हम कहेंगे कि दोबारा ये मत बोलिएगा कि हमारे पास पावर नहीं है, पावर आपके पास ही है, आपके अगल बगल ही है, आपको इच्छा होना चाहिए आवाज़ उठाने का, प्रोटेस्ट करने का। आप एक आवाज़ लगाओगे तो आपके पीछे सब आएंगे क्योंकि आप लीडर हो, दैट्स व्हाट कॉल लीडरशिप राइट। और ऑफिसर के हाथ में है, मानते हैं होगा उनके हाथ में, दे ऑफिसर्स, ISIPS ऑफिसर्स, पर जो भी पद सरकार द्वारा रेगुलेट होता है उस पद का एक गरिमा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी के साथ पावर्स भी होते हैं, कम हो ज़्यादा हो। एक चपरासी का भी उस चपरासी के जो सर्कल होता है, चपरासी का उस ड्यूरेशन में उनका पावर होता है, एक पीओन का भी पावर होता है उनके सर्कल में। तो हमारा बोलने का मतलब ये है, एक गांव में एक प्रधान का जिस तरह पावर होता है, एक म्यूनसिपल काउंसिल म्यूनसिपल एरिया में काउंसिलर का जो पावर होता है, स्टेट वाइज हो गया, MLA वगैरह का पावर हो गया, हमारा UT है तो यहाँ पे MP है तो MP का पावर हो गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाए तो DC का पावर हो गया, AC का पावर हो गया, अलग अलग विभाग है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, उनको अलग अलग पोस्ट दिया गया है। तो हर एक पोस्ट जो होता है उस पोस्ट के साथ साथ एक जिम्मेदारी आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, ड्यूटी आता है और पावर भी आता है। कोई भी नेता अगर कहता है कि हमारे पास पावर नहीं है, गलत है। और इस नेता के साथ साथ फॉक्स होते हैं, एक जन पुकारता है तो सभी पुकारने लगते हैं, वैसा ही कुछ हालत है अभी परिस्थिति। अगर नेता के मुंह से निकल गया कि हमारे पास पावर नहीं है तो हर पब्लिक भी वही बोलता है। एक कॉमन सेंस की बात है, ये समझने के लिए कि रॉकेट साइंस नहीं चाहिए या फिर हाईली क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। हम वोट देते हैं, हम जिताते हैं, तभी वो कोई पद में आता है और उस पद का पावर ऑलरेडी संविधान में हो, चाहे वो बायलॉज में हो, लिखा होता है। और एक्स्ट्रा पावर जो है उनके इर्द गिर्द जो जनरल पब्लिक उनको सपोर्ट किए हैं वो होता है। देखा जाए तो हम पब्लिक ही एक लीडर को बनाते हैं, चुनते हैं, बनाते हैं, सफलता देते हैं, बनने में 99.9% सहायता करते हैं। सहायता बोले तो टोटली हम ही बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या खुद को मशीन ही समझ लीजिए कि हम ही बनाते हैं, पॉलिटिशियंस को हम ही जिताते हैं वोट देके। और हम अगर जिता सकते हैं, बना सकते हैं, तो हम गिरा भी सकते हैं, हम निकाल भी सकते हैं।
इसीलिए कहते हैं जन संगठन सबसे बड़ा मजबूत और सबसे बड़ा पावरफुल होता है, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री अमंग द वर्ल्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो दोस्तों, हम इस बारे में एक होलसम वीडियो बनाएंगे, होलसम वीडियो इन द सेंस जो जो इशूज़ हम कलेक्ट कर पाएंगे विथ प्रूफ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा या एपिसोड वाइज होगा, हम ज़रूर बनाएंगे पूरा फुल एलोबरेट करके, पूरा फुल डिटेल में, हर किसी के अगेंस्ट में जो गलत कर रहा है। हम बहुत जल्द ही निकालेंगे, शेड्यूल हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम कल ही आए हैं, तो अभी अभी जस्ट आए हैं, तो हमको यहाँ सेटल होना है, तो हम थोड़ा वक्त लगेगा। सो बस इतना ही कहेंगे और हम आपसे वीडियो शेयर करेंगे, आप वीडियो को देखिए। एक वीडियो है जो आप तक न्यूज़ चैनल के द्वारा है, और एक वीडियो है जिसमें बारिश हो रहा है और एक बुज़ुर्ग महिला जो है सो ही गई है, वो हमारा हिडबे का है, लिटिल अंडमान का है। तो ये जो है खाली एक जगह नहीं हो रहा है, और ये हम यहाँ के पब्लिक, यहाँ के जनरल पब्लिक, लोकल्स नहीं बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सक्षम नहीं है, या फिर मैनेजमेंट ठीक नहीं, या फिर ठीक से काम नहीं कर रहा है। बाहर वाले जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उनके मुंह से भी ये बात निकला है, हमारे पास प्रूफ है, हम बहुत जल्द ही लाएंगे, इस प्रूफ के साथ एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खुश रहिएगा, और सबसे ज़रूरी बात, आपके सामने कुछ गलत हो, किसी के साथ भी हो, पहचाने ना पहचाने, मुँह घुमा के मत चल दीजिएगा, कोशिश करिएगा उनका सहायता करने का, आवाज़ उठाने का। अगर हर कोई आवाज़ उठाना सीख जाए तो ये परिस्थिति नहीं होगा। हम शायद भूल गए हैं कि हम काला पानी से बिलोंग करते हैं, हम उस आइलैंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना जो है जान दे करके, इतना टॉर्चर सह करके जीता जागता एग्जाम्पल सेलुलर जेल है। हमारे बाप दादा इस जगह को रहने लायक बनाए हैं, जान दे करके, पसीना बहा के, खून बहा के। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। डीएसएस मेरिट टिकट काउंटर के बारे में, जहां पर शहीद दीप और सराज दीप जाने के लिए सारे यात्री सवेरे 2 बजे से बारिश में भीग कर खड़े थे, लेकिन यात्रियों का कहना है कि उन्हें जल परिषद है वो अपना समाधान। सर यहाँ का क्या हाल है, एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है टूरिज्म को बढ़ावा दो, लेकिन बोर्ड नहीं बढ़ाता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मन मर्जी है। यहाँ पब्लिक मरता है, कभी आके देखा डीसी साहब, देखा कोई एडमिनिस्ट्रेशन लोग आके देखा, कभी नहीं देखा सर। 2 बजे से लाइन में खड़ा है गेट का बाहर में, 5 बजे बारिश आया तब भी पब्लिक खड़ा है। अच्छा हाल नहीं है, ये रोज है। फिर से ये लिटिल अंडमान का जो हालत है दोस्तों, पब्लिक का हेडो जिट्टी का सीन है, और लिटिल अंडमान के लिए बोट 9 बजे छोड़ना था, 12 बजे छोड़ा था उस दिन। बारिश में लोग भीग के सीरियल नंबर जस्ट वेरीफाई कर रहे थे। अंदर पैसेंजर हॉल है, आप ध्यान रखिएगा, पर अलाउड नहीं है।